हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में ही मैं बता देती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसे आप लोग ज़रूर प्रेस करें। पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करके जाएं और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। देखिए, बहुत ही काम की जो है स्टडी मटेरियल मैं यहाँ आप लोगों को दे रही हूँ। लगातार मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, जो टेस्ट दे रहे हैं फ्रेंड्स, उनके लिए जो है टेस्ट 52 में लेकर के आई हूँ। इसके अलावा जो अधिगमकर्ता का विकास हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था, अभिवृद्धि एवं विकास में ये टॉपिक आता है, तो देखिए उसका पार्ट 10 मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। 9 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखे हैं फ्रेंड्स ने, वो चैनल पर एक बार विजिट करें, उनको वहाँ पर वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा काफ़ी कुछ जो है चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं, मूल प्रवृत्ति की प्रवृत्ति होती है। तो देखिए, जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो जन्मजात होती हैं और आंतरिक रूप से होती हैं। तो देखिए, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ये दोनों, यानी कि जन्मजात और आंतरिक दोनों तरह की जो होती है मूल प्रवृत्ति होती है। सेकेंड वाला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, संवेग शब्द किस भाषा से उत्पादित हुआ है। तो देखिए, संवेग जो शब्द है वो लैटिन भाषा से उसकी उत्पत्ति हुई है। उत्पादित हुआ है का मतलब उत्पत्ति हुई है, एक ही बात होती है। तो देखिए, आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लैटिन भाषा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे होता है। तो देखिए, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध जो होता है किसी निश्चित संवेग से होता है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, निश्चित संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, संवेग शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। तो देखिए, संवेग शब्द जो है वो लैटिन भाषा के ई मूवियर शब्द से बना हुआ है। स्पेलिंग है इसकी EMOVEER, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही रहेगा, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ई मूवियर शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए, ई मूवियर शब्द का जो अर्थ है वो है उत्तेजित दशा। जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो लोग आंसर्स जो है देखते जाएं, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाता है और ऑप्शंस भी आ जाते हैं, आंसर पहले आप लोग जज कर लें। और देखिए, कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, प्लीज़ कमेंट किया करें कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही होते हैं। देखिए, मैं काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए टेस्ट पेपर्स बना रही हूँ, तो देखिए रेस्पॉन्स थोड़ा बहुत आप भी दिया करें कि आप लोगों को किस तरीके का ये मटेरियल लग रहा है, आप लोगों की प्रिपरेशन में इससे हेल्प हो रही है नहीं, थोड़ा बहुत आप लोग रेस्पॉन्स दिया करें। तो देखिए, आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, उत्तेजित दशा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसकी देन है। तो देखिए, मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है मैकडुगल की देन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, मैकडुगल इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है। तो देखिए, दोनों ही पुस्तकें जो है मैकडुगल की हैं, तो आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा, मैकडुगल। क्वेश्चन नंबर 8 है, भय संवेग की मूल प्रवृत्ति निम्न में से कौन सी है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट्स हो गए हैं, क्योंकि देखिए आजकल जो है संवेग देकर के मूल प्रवृत्ति पूछता है या मूल प्रवृत्ति देकर के संवेग पूछता है, ये ट्रेंड है। तो हम लगातार जो है इनमें आगे के क्वेश्चंस में यही देखेंगे कौन सा संवेग कौन सी मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। देखिए, जो भय है वो पलायन से जुड़ा हुआ है, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पलायन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, युयुत्सा मूल प्रवृत्ति से जुड़ा संवेग है। तो युयुत्सा जो होती है युद्ध करने की जो है इच्छा होती है, और वो जो है क्रोध से उत्पन्न होता है, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्रोध। देखिए, नेक्स्ट है, एकाकीपन से जुड़ी मूल प्रवृत्ति कौन सी है। तो देखिए, एकाकीपन से जुड़ी हुई जो मूल प्रवृत्ति होती है वो सामूहिकता होती है, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सामूहिकता। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे अभी लाइक कर दें, और साथ में जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उन तक ज़रूर शेयर करें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रेष्ठता की भावना संवेग से जुड़ी मूल प्रवृत्ति है। तो देखिए, श्रेष्ठता की भावना जो संवेग है उससे जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति आत्म प्रदर्शन है, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, आत्म प्रदर्शन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, आत्महीनता से जुड़ा संवेग कौन सा है। तो देखिए, आत्महीनता से जो जुड़ा हुआ संवेग है वो है अधीनता की भावना, तो इसमें जो है ए जो है ऑप्शन वो सही रहेगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, आश्चर्य संवेग से जुड़ी मूल प्रवृत्ति है, ये संवेग पूछा जा चुका है। तो देखिए, जिज्ञासा जो है वो आश्चर्य संवेग से जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, संचय मूल प्रवृत्ति से जुड़ा संवेग कौन सा है। तो देखिए, संचय मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ जो संवेग है वो है अधिकार की भावना, तो आंसर जो हो जाएगा वो सी रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है और ये लास्ट क्वेश्चन है, कष्ट संवेग से जुड़ी मूल प्रवृत्ति कौन सी है? तो देखिए, कष्ट संवेग से जुड़ी हुई जो मूल प्रवृत्ति है वो है आपके संवेदना। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, संवेदना। तो देखिए 15 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई थी। लगातार जो है अधिगमकर्ता के विकास में हम आगे बढ़ रहे हैं। 10 पार्ट्स मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ, यानी कि 150 क्वेश्चन केवल इसी चैप्टर के मैं आप लोगों को अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग मेरे साथ दोस्तों भरोसा रखें और जुड़े रहें। बहुत ही बेस्ट प्रिपरेशन यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है। अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करें और इस चैनल के बारे में बताएं और लगातार जो है इस पर स्टडी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।